भैया राम राम। भैया राम राम। आप ये धान खेत में क्या कर रहे हैं? हल फांदे हैं, बैल फांदे हैं। भैया मैं ब्यासी कर रहा करता हूँ। ब्यासी क्या है भाई? भैया मैं हाथ से छिड़का कर रहा हूँ तो ज्यादा घम था। अच्छा। दाना तो अलग अलग करने के लिए जुताई करता हूँ भैया। आप कितने दिन में कर रहे हैं भैया? भैया 20-22 दिन में। 20-22 दिन से आगे भी नहीं ना पीछे भी नहीं? हाँ भैया पौधा बड़े हो जाते हैं। भैया मैं घर तरफ से आ रहा था तो इधर दो नांगर फंदे हुए देखे धान के खेत में, फिर इधर आए तो यहाँ भी देखे धान के खेत में जुताई करते, यहाँ तुम्हारे पास आए यहाँ भी देखे जुताई करते धान खेत में। तो भैया उनमें और तुम्हारे जुताई में क्या अंतर है? भैया मैं जो है ये दूरी राख के जुताई करता हूँ भैया, 6 इंच की। हर कोड़ में 6-6 इंच की जगह बचाएला पड़ते है भैया पौधा के लिए। और हम जो है परंपरा गति से नहीं छोड़ते, वो घना जोतते हैं। घना अरिन में क्या फायदा है फिर? फायदा है भैया ये उनके उपज कम होगा, मोर उपज ज्यादा होगी भैया। कैसे कम होगी उनके? वो ज्यादा घन पौधा है भैया, बाल छोटा होगा उनका। वो भी तो जुताई कर रहे हैं। जुताई तो करते हैं भैया, पर मैं जो है विधि से खेती कर रहा हूँ। कैसी विधि से? ये 6 इंच की दूरी रखता हूँ भैया मैं हर कुड़ में नागर की। और वो लोग? वो घना जुताई करते हैं भैया, नहीं रखते वो। और जो ये 6 इंच की जगह रखता हूँ भैया, ये मैं जो कुड़ जाते खाली रहेगा भैया, और 6 इंच की जगह में जो पौधा है ये इनको हम निकाल के अलग कर देंगे और 4-4 इंच में पौधा रखेंगे भैया। भैया थोड़ी हमें समझा के तो बताइए आप कैसे हल चलाते हैं, कितने दूर पे चलाते हैं? हाँ भैया मैं बताता हूँ भैया।